अरे रोटी पका ली हो तो चले। जरा ठहर जाओ, अभी चलती हूँ। अब बस कर मुन्नी, चार रोटियाँ बहुत हो गई, तीन मेरे लिए और एक तेरे लिए। एक और पका लूँ बाबा। अरे बेटी, ये किसके लिए? माँ के लिए। माँ के लिए? हाँ। मैंने तुझे कहा था ना बेटी, तेरी माँ तो कब की भगवान के घर चली गई। लेकिन वहाँ उसे भूख तो लगती होगी, और भगवान को मेरी माँ के लिए रोटी पकाने की फुर्सत कहाँ होगी? बेटी, जो भगवान के पास चले जाते हैं उन्हें हमारी तरह भूख प्यास नहीं लगती। चल जल्दी कर, आज हमें जंगल में लकड़ी काटने बहुत दूर जाना है। चल। प्रणाम कर ले मुन्नी। क्यों प्रणाम करूं? ये मंदिर है बेटी। मंदिर क्या होता है? भगवान का घर। भगवान का घर? फिर तो मेरी माँ यही रहती होगी। मुन्नी, अरे मुन्नी। माँ 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 माँ। माँ तो तेरे सामने खड़ी है, लेकिन तू है कौन? मैं मुन्नी हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। बेटी तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन तू आई है कहाँ से? भगवानपुरी से। भगवानपुरी से? वहाँ तो हरिजन रहते हैं। मूर्ति को हाथ लगाकर मंदिर का भिक्षा करके रख दिया, क्या जाते? पहले मेरी माँ से मिलना तो वो यही रहती है। कड़ी आई माँ वाली चाहती है कि डंडा उठाऊं। बाबा यार भी मेरी माँ से मुझे नहीं मिलने देता। तेरी छोकरी को समाज सारे मंदिर को भिक्षा करके रखा है। बिन माँ की बच्ची है पंडित जी, नादान है। अगर बच्ची अंदर चली भी गयी तो इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं यार? गांधी जी ने हमें हरिजन कहा था, भगवान की संतान, और अब तो सुना है सरकार ने कानून पास कर दिया है कि हम हरिजन हर मंदिर में जा सकते हैं। कानून पास किया होगा, मगर वो कानून अभी इस गांव में नहीं पहुंचा है। जो भी हरिजन इस मंदिर में पैर रखेगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चलो बाबा, इस आदमी की बात मत सुनो, चलो माँ के पास, चलो ना। हरिजन बहुत बकवास करता है। ऊंच नीच का पहिया करता, निर्दोषों को चूर, ओ समाज के की लकड़ी तन का ढांचा, दोनों जल कर राख हुए, मुक्त हुए वो प्राण के जिन पर जुल्म तुम्हारे ला। बच्ची को ले आए, बिना माँ बाप की हरिजन बच्ची है, इसे आप रख लेंगे? क्यों नहीं, ये माँ का घर है, इस घर के दरवाजे सब बच्चों के लिए खुले हैं। धन्य हो देवी, फिक्र न करना बेटी, हम मिलते रहेंगे। जाओ बेटा। चाचा, ये कौन है? ये माँ है बेटी, सबसे बड़ी माँ। जन्म दिया जिस माँ ने, उसने भी उपकार किया, उससे बड़ी माँ वो है जिसने माँ का प्यार दिया।
इस दुनिया में सबको प्यारी अपनी ही संतान है, बेगानों को अपना माने उसका प्यार महान है। जन्म दिया जिस माने उसने भी उपकार किया, उससे बड़ी जी ने कर ही दिया है, पर उनकी चिट्ठी संभाल के रखना। सब कुछ संभाल कर रख दिया है माँ जी, मगर जरा आप भी अपने आप को संभालिए। रात रात भर जागना बंद कीजिए, आपकी नजर बहुत कमजोर होती जा रही है। आंसू, तो मैं नहीं जाऊंगी। पगली कहीं की, ये तो खुशी के आंसू हैं। याद है तू कितनी छोटी सी थी जब इस आश्रम में आई थी, आज तो एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। सब आप ही की बदौलत है माँ जी। मुझे याद है मैं यहाँ कैसे आई, कैसे आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। वो मंदिर, वो पुजारी, मुझे सब याद है माँ जी, मुझे सब याद है। मगर हम हरिजन जो थे, भूल जाओ बेटी, वक्त बदल गया है, अब कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक बराबर हैं। गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, गुरुदेव टैगोर, इन सब महान आत्माओं की तपस्या का ही तो फल है। कभी अपने आप को छोटा मत समझना, आदमी जन्म से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। हाँ माँ जी। चलो बेटी, गाड़ी का वक्त हो रहा है। डॉक्टर साहब? जी नहीं। लेकिन मुझे उनसे मिलना है। जरूर मिलिए, रोकता कौन है? मगर वो आएंगे कब? जब रोज आते हैं। रोज कब आते हैं? जब 5 बजते हैं। वो सामने कुर्सी पड़ी है, अभी इसे नंबर लगा दीजिए, जल्दी मुलाकात हो जाएगी।
धन्यवाद। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब जी नहीं, मुझे उनसे मिलना है। जरूर मिलिए, रोकता कौन है आपको? मगर वो आएंगे कब? जब रोज आते हैं। रोज कब आते हैं? जब 5 बजते हैं। मगर अभी तो 5:30 बज रहे हैं। 5:30 नहीं, 4:30। आपका डॉक्टर साहब से मिलना बहुत जरूरी है, सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। हेलो, डॉक्टर शर्मा स्पीकिंग। कौन? प्रताप, कहो क्या बात है तुम्हारा? मतलब आज शाम को? इम्पॉसिबल, मगर मैं मजबूर हूं, मरीजों को छोड़ के कैसे आ सकता हूं? पूरा वेटिंग रूम भरा है, शायद रात के 10 भी बज जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी प्रताप, बाय बाय। कमाल है दोस्तों की, यहां मरने की फुर्सत नहीं, कॉन्सर्ट देखेंगे। प्रताप भी अजीब सा दोस्त है, जब भी मैं बिजी रहता हूँ कॉन्सर्ट चलो, क्या करें इन लोगों को तो शाम को कोई काम नहीं। ऑफिस से आए, चलो कॉन्सर्ट विंसेट। आप शायद पहली बार आए, आपकी आंखें तो बड़ी अच्छी। जी मगर डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, आप चुपचाप बैठिए, सिर्फ 5 मिनट की बात है। मगर मेरी आंखें तो। यही तो देखना मेरा काम है, अभी मालूम हो जाएगा, जरा मेरे तरफ देखिए। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं मरीज नहीं हूँ। आप मरीज नहीं हैं? तो आप हैं कौन? मेरा नाम अनुराधा है, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, ये रही आपकी चिट्ठी। आई सी, आई एम सॉरी, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने का मौका ही कब दिया आपने? खैर कोई बात नहीं, भूल मेरी है, मगर मजाक अच्छा रहा। काम का कोई तजुर्बा है आपको? है तो नहीं, लेकिन काम मिल गया तो जरूर हो जाएगा। और अगर काम नहीं मिला तो? तब भी तजुर्बा हो जाएगा। कैसा तजुर्बा? अपनी बदनसीबी का। वेरी गुड, अब बातें तो बहुत अच्छी करती है। अगर मौका दिया जाए तो काम भी बहुत अच्छा करूंगी डॉक्टर साहब। और तनख्वाह? जी जो आप मुनासिब समझे। ठीक है, तो फिर आप कब से ज्वाइन कर सकती? चाहे तो आज और अभी। वेरी गुड, मेरा ख्याल है कि काम शुरू किया जाए। कॉल द नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। जी आपका मतलब है फर्स्ट पेशेंट? ओह जी हाँ, मेरा मतलब है द फर्स्ट पेशेंट। यस सर। पूज्य माँ जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे काम मिल गया है, काम के साथ साथ लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल देवता स्वरूप हैं, रहने का इंतजाम तो जोशी जी ने कर ही दिया था। चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि मुझे आपको छोड़कर यहाँ आना पड़ा, आशा है वहाँ सब अच्छे होंगे। उन सब के साथ मेरे जीवन का कितना बड़ा संबंध है, इसे मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल सकती। जो कुछ हुआ है वह आपके आशीर्वाद से हुआ है, मेरी विनती इतनी ही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी अनुराधा। थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स। अर्थात धीरे, बहुत चौड़ी हो जाती है।
आपकी आंखों में कुछ खास खराबी तो नजर नहीं आती। एक अक्षर पढ़िए। ये कौन सा अक्षर? चौथी लाइन का तीसरा। लाइन? मुझे तो कोई लाइन नजर नहीं आती इस बोर्ड पर। बोर्ड? कौन सा बोर्ड? जो दीवार पर है। दीवार? कौन सी दीवार? बहुत खूब साहब, आप नौकरी से जबरदस्ती छुट्टी चाहते हैं और मुझसे सर्टिफिकेट जो मैं आपको दे नहीं सकता। पसंद क्या है डॉक्टर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत दुबली है, जरा सेहत का ख्याल रखिए। लड़की दुबली नजर आई मगर दीवार नजर नहीं आई। डोंट गेट एक्साइटेड। विल यू प्लीज गेट आउट? यस डॉक्टर। बेवकूफ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इज कॉफी। मगर अभी तो 6 भी नहीं बजे। मरीज भी तो कोई और नहीं है वेटिंग रूम में। पी लीजिए, अगर ठंडी हो गई तो मेरी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम मेरी आदतें बिगाड़ कर छोड़ी। सुबह चाय, दोपहर को जूस, शाम को कॉफी, अच्छा खासा रेस्टोरेंट बना दिया मेरे क्लिनिक को। आपको अच्छा नहीं लगता है तो कल से बंद कर दूं? बहुत अच्छा लगता है अनुराधा। सच पूछो तो जब से तुम आई हो रंगत ही बदल गई अपनी दुनिया की। कैसे चुकाओ तुम्हारे एहसानों का बदला? एहसान तो आपने मुझ पर किया है जो मुझ अनाथ को अपने पांव पर खड़ा होने का मौका दिया। नहीं तो वो कौन सी बदनसीबी है जो भगवान ने मेरी झोली में नहीं डाली। फिर वही आश्रम, फिर वही माजी। उनके बिना इस दुनिया में मेरा है भी कौन। कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत तुम्हारी आंखें। जी, आंखों का डॉक्टर हूं ना, इसलिए उन्हीं में डूबा रहता हूं। हेलो, स्पीकिंग। हेलो कर्नल साहब, फरमाइए। जी, आपका मतलब वहां आकर? कर्नल साहब, ये कैसे होगा? अब मेरा मतलब है, आप तो जानते हैं कि मुआयना तो क्लिनिक में होगा। जी, संडे तो है और छुट्टी भी। जैसे आपकी मर्जी, जरूर आ जाऊंगा। गुड नाइट। डॉक्टर की जिंदगी भी अजीब सी जिंदगी है, एक दिन भी आराम नहीं मिलता। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मगर कहाँ? यहाँ से 20 मील दूर कर्नल साहब के बंगले पे। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। डॉक्टर साहब सामने देखिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शुक्र है तुमने बात तो की, मैं समझा था मौन व्रत रखा है। नहीं तो आपने भी तो कोई बात नहीं की। ना तुमने कोई बात की ना मैंने, फिर भी ऐसे लगता है बहुत कुछ कह डाला हो। वो कैसे? बड़ी सीधी सी बात है, खामोशी जिस कदर कह देती है जबान कभी नहीं कहती। तुम शायद मेरे बारे में सोच रही थी और मैं तुम्हारे बारे में। क्यों, ठीक है ना? सामने देखिए डॉक्टर साहब, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। सुनो, कल सुबह कर्नल साहब के जाना है, जरा जल्दी तैयार हो ना, मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा। जी अच्छा। और सुनो, कर्नल साहब पिताजी के पुराने दोस्त थे, देर होगी तो डांटेंगे। आप फिक्र न करें, मैं तैयार मिलूंगी। लेकिन है दिल के बहुत अच्छे, ऊपर से सख्त, अंदर से बहुत ही नरम। गुड मॉर्निंग माय बॉय। गुड मॉर्निंग अंकल, ये अनुराधा है। यानी शादी भी कर ली और हमें खबर तक नहीं?
जी जी वो बात ये है कि बात बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि नई नस्ल पुराने ताल्लुकात को नहीं मानती। अरे भाई मैं तुम्हारे बाप का भाई बराबर दोस्त था, उन्होंने आंखें फेर ली तो तुम सब देख कर्नल भी चल बसा। अरे शादी तक कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे तुम्हारी माता जी से ये उम्मीद नहीं थी। अंकल वो भी कैसे बुलाती जब शादी ही नहीं हुई, ये तो मेरी बगेतर है जी। और मुझे दिखाने लाया और माता जी से मैं इसकी सिफारिश कर दू। नॉट बैड नॉट बैड, गुड चॉइस। शर्माओ नहीं बेटी, बेटी मेरी बाई आंख कमजोर है, नई एनर बना के दोगे तब मैं तुम्हारी सिफारिश करूँ। अंकल अनुराधा मेरी असिस्टेंट है, इस पर चिल्लाने की क्या बात है, आज असिस्टेंट कल मंगेतर परसों शादी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। ऐसी बात नहीं है तो होनी चाहिए, खैर तुम्हारी सिलेक्शन बुरी नहीं जी। मेरा मतलब ये है असिस्टेंट अच्छी चुनी है। कम ऑन कम ऑन सिट डाउन बॉय। जी सर। चाय तैयार करो और खाने को भी कुछ लाओ, और सुनो ये लोग हमारे साथ ही लंच करेंगे। हाँ तो क्या नाम बताया तुमने अपने असिस्टेंट का? अनु कुमार जी नहीं, अनुराधा। अनुराधा, वेरी स्वीट नेम, वेरी स्वीट नेम। क्यों बेटी तुम भी तो कुछ बोलो, मुंह में जुबान रखती हो ना। शाबाश, लेकिन आवाज का वॉल्यूम जरा ज्यादा होना चाहिए। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरी तो आदत ही है मजाक करने की। क्यों बेटा तुम्हारी माता जी कैसी है? ठीक है, लेकिन वो आजकल बनारस गई हुई है। वो तो पुरानी आदत है हमारी भाभी की। अरे जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो उनको भी आए दिन साथ साथ तीर्थ यात्रा पर लिए जाती थी, पूजा पाठ में उनका जवाब नहीं। क्यों बेटी तुम उनसे मिली हो? जी नहीं, अभी तो दर्शन नहीं हुए। अच्छा कोई काम की बात हो जाए जिसके लिए हम आए। अनुराधा मेरा बैग ला। ना तो अनुराधा कहीं भागी जाती है, ना तुम्हारा बैग और ना मेरी आंखें। अरे भाई चाय तो पी लेने दो। बेटी तुम असिस्टेंट तो बहुत अच्छी मालूम होती हो, अब जरा देखे चाय कैसी बनाती हो। दो चार दिन के अंदर आपके नई आने बनवा के भिजवा दूंगा, मैंने सब कुछ देख लिया है, आप कोई चिंता न कीजिए। तुमने तो सब कुछ देख लिया है बरखुरदार, लेकिन ये बताओ कि वो ऐनक लगाने के बाद मुझे दिखाई भी देगा या नहीं? क्यों नहीं अंकल, शिकार के मौके पर अगर आपको एक की जगह दो दो शेर ना दिखाई दे तब मुझे पकड़ लेना अंकल। अच्छा, लेकिन अगले साल वो ऐनक लगाने के बाद तुम भी दो के बजाय तीन नजर आओ। गुड लक, बाय बाय। कर्नल साहब बड़े मजाकिया आदमी हैं। मजाकिया नहीं, बड़े बुद्धिमान भी हैं। उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। उड़ती चिड़िया? जी हाँ, पहले असिस्टेंट फिर मंगेतर और डॉक्टर साहब आगे देखिए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हेलो, जरा इधर तो देखो। ये किससे बात कर रहे हैं आप? ड्राइविंग करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करते, मैं तो आगे ही देख रहा हूँ। क्या सीधी सड़क है, किसी के मांग की तरह जी जाता है सिंदूर भर दो। अनुराधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आज आप बहुत जल्दी आ गए। कुछ नहीं, यूं ही आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ अनुराधा। अच्छा क्या बात है? कल माँ जी आने वाली है और उनके आते ही मैं उनसे बात करने वाला हूँ। कौन सी बात? यही कि मैंने उनके लिए एक बहू ढूंढ ली। जी पगली कहीं की, इसमें घबराने की क्या बात। अब आपके डाक। ये लो माँ जी की चिट्ठी भी आ गई, अब तुम ही इसे पढ़ लो। मेरे लाल आशीर्वाद,
मेरी पहली चिट्ठी मिली होगी जिसमें लिखा था कि मैं कल आ रही हूँ, लेकिन कल से मुझे बुखार है। क्या बताऊँ, आजकल किसी के दिल में धर्म तो रहा ही नहीं। न जाने हर जात के लोग ऐसे पवित्र स्थानों पर कैसे आ जाते हैं। कल ही मैं गंगा स्नान करके मंदिर दर्शन को जा रही थी कि रास्ते में एक अछूत लड़की ने मुझे छू लिया और मुझे फिर से स्नान करना पड़ा। सर्दी लग गई। तुम्हारी मौसी कहती है कि मैं 2-4 दिन के बाद ही चलूंगी। कुछ फिक्र न करना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम्हारी माँ। गंगा स्नान करके मंदिर दर्शन को जा रही थी कि रास्ते में एक अछूत लड़की ने मुझे छू ली और मुझे फिर से स्नान करना पड़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनुराधा आ गई? वो तो आके चली गई। आकर चली गई कहाँ, ये तो नहीं बताया। हाँ, आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई। डॉक्टर साहब, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। क्यों, ये न पूछिए, कभी न पूछिए। रो मत बेटी, चुप हो जा। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। शायद मैं इसे लायक थी, मैंने उनका दिल तोड़ा है। माँ जी, भगवान मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेटी। चल उठ, हाथ मुंह धो ले। रोते रोते आंखें भी लाल कर ली है तूने। रो मत। माँ जी, आपको हमारे साथ खेलना ही होगा। माँ जी, आपको हमारे साथ खेलना ही होगा। राजा मेरे राजा, राजा के मैं घर आ गई, मैं आती हूँ। मेरी आंखें, मेरी आंखें क्या हुए माँ जी? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मेरी बेटी। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ ना। अनुराधा, घबराइए नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। तुम? जी, मैं आप ही को फोन करने की कोशिश कर रही थी। क्यों, कुछ और भी याद आ गया? चिट्ठी में लिख दिया होता? ऐसा मत कहिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनने के लिए अब रखा ही क्या है, सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया है। आप जा सकती हैं। नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं, अपने मरीजों को इस तरह नहीं डाल सकते।
मगर आपकी आंखें तो मुझसे भी तेज है। आप तो बाहर तक देख सकती है जहां तक मेरी निगाहें काम नहीं करती। आपके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन मेरी माँ का इलाज तो आप कर सकते हैं। सुनिए, मैं अपने आश्रम की माता जी को अपने साथ लाई हूँ। अंधेरा छा गया उनकी आंखों में और अपने विश्वास की रोशनी में मैं उन्हें आपके पास लाई हूँ। आंखें देखना तो मेरा काम है और मैं उसे पीछे नहीं हट सकता। ले आइए उन्हें अंदर। ठीक हो जाएंगे ना? इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, जैसे भी हो इनकी आंखें ठीक कर दीजिए। कोशिश तो मेरी यही रहेगी। यस डॉक्टर। सिस्टर, इन्हें स्पेशल रूम में जगह देना। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। चलिए अब लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। Throw some light on our problem. Page 550. And please contact Dr. D'Souza. 531939. Hello? Yes. Please speak here. Good morning, Doctor. Doctor, I have come across a peculiar case. Yes, yes, I would like to consult you about it. Doctor Sahib, 11 baj gaye. Aaj aap ghar nahi jayenge? Tum jaakar so jao. Mujhe abhi kaam karna hai. Kaun? अनु जी? नहीं, मैं हूं डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे इस अंधेरे से निकालिए ताकि मैं अपने बच्चों को फिर से देख सकूं। उन सब का कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मैं जानता हूं, अनुराधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर भी मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूं। बताने के लिए मेरे पास रखा ही क्या है डॉक्टर साहब? ये अगर मैं जानता तो मुश्किल ही क्या थी। आंखों से छीनी हुई रोशनी लौट भी आती है, लेकिन पहले इसकी वजह तो मालूम होनी चाहिए। वजह नहीं बताई अनुराधा ने, आंगन में गिर पड़ी थी। मैं जानता हूं, लेकिन क्या ऐसी कोई तकलीफ पहले भी हुई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। अनुराधा ये भी कह रही थी आप रात रात भर नहीं सोती, काम में लगी रहती है। ऐसे लगता है कि आपके दिल और दिमाग पर कोई बोझ है जो आपको हमेशा परेशान रखता है। इसी तनाव से आपकी आंखों में खुश्की पैदा हो गई है। जिन आंखों ने जिंदगी भर आंसू बहाए हो उनमें खुशकी ने तो नमी कहां से आएगी डॉक्टर साहब? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये एक लंबी कहानी है डॉक्टर साहब, जिसकी याद आज भी मेरे दिल में ताजा है। 25-30 साल पहले की बात है, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। एक छोटे से गांव में मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे और नाथ जी उसी मंदिर के गायक। जगत जननी भवानी, जगत जननी भवानी, जगत
से मिलन को चली जात अपने मंदरवाज हार या से मिलन को चली जात अपने मंदरवाज हार वाह नाथ जी घर में बहू ले आए और हमें खबर तक नहीं दी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर वो शुभ घड़ी भी जल्दी ही आने वाली है अच्छा अरे इनसे क्यों शर्माती है अरुणा ये तो अपना बालकृष्ण है आजकल स्टेज का बड़ा भारी कलाकार बन गया है बंबई में और यहाँ इसके गले से सरगम भी निकलना मुश्किल हाँ मगर तू क्या जाने ये अपने पंडित जी की लड़की अच्छा हाँ यशवंत की मंगेतर नाथ जी बहू तो खूब चुनी है आपने यशवंत का बेटा गवैया भी होगा और पंडित भी ये अच्छी रही बेटे की शादी पक्की कर ली और हमारे लिए सिर्फ चाय का पानी जरा सब्र करो भाई इसी भादों में यशवंत की शादी है सब कसर निकाल लेना हाँ और तुम्हें तो 10-12 दिन पहले ही आना पड़ेगा नहीं तो शादी का इंतजाम कौन करेगा जरूर आऊंगा हाँ देखो भाई इस घराने की शान कायम रहनी चाहिए एक दिन हमें नदी पार जाना पड़ा कितना सुंदर दिन था वो लेकिन लौटते लौटते शाम हो गई आसमान पर घटा छा गई और देखते ही देखते हमें बारिश ने आ घेरा भगवान तुम्ही ने इन बच्चों की जान बचाई आज मेरी बरसों की सेवा काम आई भगवती मां अब से मेरा यशवंत हर बरस अपने हाथ से तुम्हारा रथ खींचेगा यशवंत भगवती का आशीर्वाद लो बेटा चप्पल निकाल दे जूता पहन के कभी रथ खींचते हैं नाथ जी ये ठीक हुआ अभी से अधिकार जमाने लगी इन चरणों पे तुझे
गा गा यशवंत। आ हा हा हा, कौन? आइए आइए, कितना तैयार गाता है मेरा यशवंत। गा गा बेटा। अरे ये अपने पंडित जी आए हैं। इंद्रधनुख सोहद नभ, इंद्रधनुख सोहद नभ, दामनि दम खरा जम कैद, दामनि दम खरा जम कैद, रागम लायरी उपजत, रागम लायरी उपजत, हर रंग गुनी गाजे राजे गाजे। वाह, अपने घराने को कायम रखना बेटा। सोचा बगैर खबर किए ही पहुंच जाऊं। क्यों, ठीक किया ना? क्या बात, ये घर में उदासी कैसी छाई है बेटी? उस घर में सन्नाटा जहां शहनाई बजने वाली है। शहनाई? क्यों पंडित जी, कहा? चाचा जी, जीवन का हर सहारा बेसहारा छोड़ गया है। क्या हुआ जी, जल्दी बताओ बेटी। भगवती ने, भगवती ने क्या किया? भगवती ने, भगवती ने मेरे सुहाग के फूल अपने पांव तले मजल डाले, वो रथ के नीचे आकर कुछ ले गए। कौन, यशवंत? उसे दुख में नाथ जी पागल हो गए और बाबा ने नदी में डूब के अपनी जान दे दी। अब यहाँ सिर्फ मैं। नहीं नहीं बेटी, अभी मैं जिंदा हूँ। अजी सुनती हो? हाँ हाँ, बहरी नहीं हूँ। तेरा गरम मामला है। ओ, मैं समझा। अरे ये कौन है? बेटी ये है तुम्हारी चाची, ये है अरुणा। जुगजुग जियो बेटी, क्या बम्बई शहर दिखाने लाए हो इसे? नहीं, अब तो ये यहीं रहेगी। बेटी अंदर न ले जा, मुंह हाथ धो ले। हाँ, आओ बेटी। ये रहा लाला। बड़ी सीधी जान पड़ती है। अनाथ है बेचारी, माँ बचपन ही में गुजर गई, अब पिता भी चल बसे। बड़ा पुराना साथ था उनका मेरा, घर में अकेली रह गई थी, सोचा। अच्छा किया, मेरा भी जी लगा रहेगा। ठहर जा, तौलिए देती हूँ। ब्याह हो गया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। अभी तक जाग रही है क्या? अरे तेरे चाचा ना जाने कब आएंगे। अब सो जा बेटी। अरे क्या हुआ? अरे ये चप्पल किसकी है? जिन चरणों पे मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, ये उन्हें पांव की निशानी है। ये क्या कहती है तू? पिता की याद आई है? अब ऐसे रोने धोने से क्या फायदा, सो जा बेटी, सुबह जल्दी उठना है। अरे कल कोई देखने आएगा तुझे। चाची क्या हुआ?
निकल सकती ना जी। तो क्या जीवन भर कुंवारे ही बैठे रहेंगे? अरे तेरा ब्याह ना हुआ तो लोग थूकते फिरेंगे हमारे नाम पर। पर चाची, एक लड़की के दो ब्याह कैसे हो सकते हैं? क्या दो ब्याह? पर तेरे चाचा तो कहते थे तू अभी तक कुंवारी है। दुनिया भी यही कहती है। पर चाची, हाय राम, तूने पाप किया है, बोल जवाब क्यों नहीं देती? हाय रे दैया, कौन से बुरे मुहूर्त पर उन औरतों से मैंने तेरे ब्याह की बात की थी? जुड़े अब आकर निकल यहाँ से, निकल जा। चाची, चाची की बच्ची अनाथ समझकर तुझे पाला पोसा और अब अपना पाप भी पालने के लिए हमें कहती है पापन। कहाँ जाऊँ चाची? जहाँ पाप की कालक लगाई है वहीं जाके मर, मगर अपनी मनोरथ शक्ल न दिखाना, तेरे बिना दुनिया शून्य नहीं हो जाएगी। निकल यहाँ से चाची। तुझ पर इल्जाम लगा रही थी, कह रही थी चाची ने घर से निकाल दिया। मगर मैं तो अब कह दे इसके सामने कि चाची ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर अब तू सामने क्या बोल सकती है? मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये एक स्त्री है ऐसी हालत में और ये तुझे घर से बाहर निकाल देगी? कभी नहीं, तेरे दुख दर्द को ये अच्छी तरह समझती है। पर मैं कहती हूँ। तुम चुप बैठो, मैं खुद ही समझ गया था, इसने तुझे बेटी बनाया है। अरे मैं तुझे घर से निकाल सकता था मगर ये कभी नहीं, खुद ही घर से भाग जाना चाहती थी और नाम लगाती इस बेचारी का। अब तुम ही देखो ना, मैं भला क्यों निकालने लगी इसे? सुन लिया, अब कभी इसके खिलाफ जबान खोली तो याद रख। अरे ये क्या आधी आधी रात को लड़ाई झगड़े लगाए रखे हो तुम लोग? ये नाटक वाले होते ही ऐसे हैं। ये मेरा घर है, जो चाहे करती हूँ। ऐसी तकलीफ है तो मालाबार हिल पर जाओ रहने के लिए। चलो भाई, इनकी तोप के सामने हमारे पटाखे क्या काम दे सकते हैं भला? हाँ जी, इनके घर में तो रोज ही लगा रहता है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे घर में रोज कथाएं होती रहती हैं। अरे माफ करो, हम खुद ही चले जाते हैं, पर जरा टाइम तो देखो। दिन भर गोद में लेकर नाचा करो। मैं हूं ना नौकरानी, दुनिया में जैसे लड़के किसी के यहाँ होते ही नहीं, और जब होते हैं तो ऐसे मनहूस होते हैं, बाप और नाना की जान लेने वाले। बुरा मत मानना बेटी, ईश्वर ने इसकी आवाज ही कुछ ऐसी बना दी है। मगर उसमें चाची जी की कोई गलती नहीं। आपको नाटक से जो कुछ मिलता है उसमें आप दोनों का ही पूरा नहीं होता। फिर मैं एक बोझ बन के और आ गई, उस पे ये नन्ही सी जान। नहीं बेटी, तुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। पर मैं कहती हूँ चाचा जी, अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो। है? मेरे होते और मेरी बेटी काम करे? नहीं, कभी नहीं, यूं ही मिलजुल कर गुजर बसर कर लेंगे। आज ऐसी बात जबान पर कभी मत लाना, समझे? जगह दिया रे इंदिया।
क्या दर्द भरी आवाज है, ये कौन गा रहा था बाल जी? मेरी भतीजी अरुणा। आपकी भतीजी? जी। अच्छा ही हुआ जो आप चार दिन थिएटर नहीं आए, और मुझे आपसे मिलने खुद ही आना पड़ा। क्यों? ना आता तो ये आवाज कैसे सुन पाता। बाल जी, क्या ये मुमकिन है कि हम ये सुरीली आवाज अपने थिएटर के जरिए दुनिया के कानों तक पहुंचा सकें? अच्छा होता अगर ये मुमकिन होता, लेकिन सेठ जी, मेरा विश्वास है कि घर संसार की ज्योति को नाटक की सभा में उजाला नहीं फैलाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारा थिएटर कोई बाजारी गवैयों का अड्डा तो नहीं है। वो आपकी भतीजी है तो मेरी बेटी की जगह है। हाँ चाचा जी, क्या हर्ज है अगर मैं आपके साथ काम करूं? लेकिन बेटी, इस तरह मैं अपना गुजर भी कर लूंगी और आपके सर से बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये तो क्या कह रही है? ठीक तो कह रही है। अब इसमें सोचने की कौन सी बात है, लड़की तो खुद ही तैयार है, यहाँ वहाँ आप ही के साथ तो रहेगी। मैं खुश थी कि अब मैं इस घर में एक बोझ बनकर नहीं रहूंगी, भला कि इस घर का कुछ बोझ भी बांट सकूंगी। मुझे याद है इस नए जीवन के रास्ते पर मेरा पहला कदम।
जल्दी खोलो ना। अरे ठहर तो। अरे जल्दी करना। अरे करती हूँ। अरे ये छुड़ैल। देख ले अच्छी तरह, जिंदा है ना चाची जी? क्या आपके दिल में बिल्कुल ममता नहीं जो इतनी रात को घर में इसे अकेला छोड़ के चली गई? अगर बच्चे से इतना ही प्यार है तो इसे छोड़ के क्यों जाती है बाहर? बड़ी आई माया ममता वाली, खुद तो नाटक में मटकने चली जाती है और मुझे आंखें दिखाती है। अरे भवानी अब चुप भी हो जा। अजी पर चुप क्यों रहो, बच्चे का रोना धोना तो सब बंद ही करके गई थी चाची। क्या किया है इसे? इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कोई जहर थोड़ा ही दिया है इसे, जरा से अफीम खिला के गई थी बाहर। अफीम? हाँ हाँ अफीम, जरा से दी थी मैंने। तेरा लाडला मर नहीं जाएगा, और अगर मर भी गया तो अच्छा ही होगा, बला टल जाएगी तेरे सर से, फिर आजाद होके खूब धंधे करना। आज हाथ भी उठा दिया तुमने, जा मरो दोनों नर्क में जा। मुझे क्या, अब मैं क्या करूं, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। मरो दोनों, मरो, नरक में जाओ दोनों। बेटी क्यों ना हम इसे किसी अच्छे अनाथ आश्रम में रख दें? अनाथ आश्रम? नहीं नहीं, मेरा लाल यतीम तो नहीं है, और मैं, तुम नाटक और स्टेज के रास्ते पर चलकर इतनी दूर पहुंच गई हो, ये अब तुमसे वापस नहीं लौटा जाएगा बेटी। तुम्हारा ये नया जीवन, बच्चे का आने वाला जीवन नहीं बेटी, तुम्हें इसे अपने से अलग करना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता चाचा जी, ममता कभी अपनी गोद खाली नहीं देख सकती। ममता अंधी होती है बेटी, तेरी ममता तेरे नए जीवन से जो सौदा करना चाहती है उसमें घाटे के सिवा और कुछ नहीं। ये बच्चा अच्छे संस्कार में पलेगा, बढ़ेगा, इंसान बनेगा, और तू इसे देखकर कहेगी यही है मेरा सच्चा जीवन, यही है मेरा सच्चा प्यार, और ये भी बड़े अभिमान से कहेगा यही है मेरी माँ। अपना दिल पक्का कर ले और मेरी बात मान जा बेटी। बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इस बच्चे को आपके आश्रम में रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अनाथ है। अनाथ? इस भरे संसार में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं, हम सब इनके माँ बाप हैं। देखिए साहब। साहब नहीं, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। हाँ, आप ये फार्म भर दीजिए। आप कौन होते हैं इस बच्चे के? ये मेरी बेटी का बच्चा है, मेरी बेटी और दामाद दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। अरे अरे अरे, भगवान की इच्छा। आप क्या करते हैं? मैं नाट्य कंपनी में काम करता हूँ। आपका शुभ नाम? जी मुझे बालकृष्ण कहते हैं। कंपनी के साथ मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है, और बच्चे की देखभाल करने वाला कोई है नहीं। सबकी देखभाल करने वाला ईश्वर है। सच कहते हैं आप। देखिए, इस बच्चे का जो भी खर्च होगा मैं देता रहूंगा। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो सब कुछ यहीं से हो जाएगा। इसका नाम क्या रखा है आपने? अभी तक तो कुछ रखा नहीं। हाँ, कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। नंद कुमार, नंद कुमार अच्छा रहेगा। नंदू
नंदू। अरे जरा देखो तो ये कौन आया है, ये तुम्हारा छोटा भाई है नंदू। मेरा हर कदम मुझे कामयाबी की तरफ ले चला। स्टेज से हटकर अब मैं फिल्मों में काम करने लगी और शोभा रानी के नाम से उस वक्त की एक बड़ी कलाकार बन गई। उसको? नहीं इसको। कहो बेटा नंदू, आज मेरी सालगिरह है। आज मेरी सालगिरह है। आज मुझे तीसरा बरस लगा है। आज मुझे बरस। आज मुझे तीसरा बरस लगा है। आज मुझे तीसरा बरस लगा है। वाह वाह शाबाश। अरे ये देख, कोई आए हैं, उन्हें भी मिठाई देंगे हम। बेटा अभी इन्हें पेड़े दे दो। ये कैसी मिठाई है रे? आज गुरु जी का तीसरा बरस लगा है। अरे मुझे नहीं तुझे। नाम क्या है तुम्हारा बेटे? नंद कुमार। गुरु जी ये कौन है? ये माँ है बेटा। हाँ, तो आप कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं, ठीक, लेकिन आप बुरा ना मानिएगा, आप अभी जवान हैं, फिर आप। मैं बच्चा गोद क्यों लेना चाहता हूँ यही पूछना चाहते हैं ना आप? डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा होने से मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए। समझा। मेरी बीवी तो बच्चे के लिए तड़पती रहती है, जब भी किसी बच्चे को देख लेती है पागल सी हो जाती है। गुरुजी, आप अपने आश्रम से एक बच्चा हमको दे दीजिए, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। गुरुजी, ये नंदू किसका बच्चा है? ये सभी भगवान के बच्चे हैं बेटी, वही इनके माँ बाप है। ये सब धूल में पड़ी हुई कलियां हैं, ये तो समाज के लिए है कि उन्हें फूल बना दे या पांव तले रौंद डाले। गुरुजी, क्या इन कलियों में से एक कली हमारे घर खिल सकती है? मैं नंदू को ले जा सकती हूँ? मैं जरूर कोशिश करूंगा, उसके नाना है और आज उनके नंदू की सालगिरह है ना, वो जरूर आएंगे। मैं उनसे पूछ कर। आइए, 100 बरस की उम्र है आपकी। इतने बरस जीकर क्या करूंगा गुरुजी, भगवान करे मेरे नंदू की 100 बरस उम्र हो। यही है नंदू के नाना, ये हैं श्याम बाबू और ये हैं इनकी धर्म पत्नी। गुरुजी, आज नंदू 3 बरस का हुआ, अब वो बड़ा हो गया है, चाहता हूं अब उसे अपने साथ ले चलूं। हाँ? क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू। बात यह है, ये नंदू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ। हाँ, उसकी माँ ही बनना चाहती है ये। न जाने क्यों नंदू ने कुछ जादू सा कर दिया है, कितना प्यारा बच्चा है। इसके माँ बाप भी ऐसे ही प्यारे थे। बालकिशन जी, नंदू को इस उम्र में नाटक कंपनी में रखना अच्छा नहीं। मेरी सलाह है, अगर वो इनके घर रहेगा तो अच्छे संस्कार में पलेगा। मेरी बात मानिए,
रहने दीजिए नंदू को इनके यहाँ। मैं सोच विचार कर एक दो दिन में बता दूंगा आपको। सुशीला जरा नंदू को ले आना। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। जरा ठहरिए, मुझे और एक बार उस बच्चे को देख लेने दीजिए। नंदू आजा बेटे। नंदू पहचाना इनको? हाँ, नाना जी। आज आश्रम में मेरी मुलाकात एक शरीफ आदमी से हुई, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। बे औलाद हैं बेचारे। मेरा ख्याल है नंदू अगर ऐसे ही घराने में परवरिश पाए तो अच्छा है। ये क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? तेरे बच्चे की भलाई के लिए। गलती खुद मुझसे हुई जो मैंने नाटक में जाने के लिए तेरी बात मान ली। भूल मेरी ही थी, मैंने तुझे इस रंगीन रास्ते पर कदम ही क्यों रखने दिया। मगर मैं तो खुद दौलत के पीछे नहीं भागी थी चाचा जी। लक्ष्मी देवी खुद अपने पैरों से चलकर मेरे दरवाजे तक आई थी। मैं देवी को कैसे ठुकरा सकती चाचा जी? मगर अपने बच्चे के प्यार की खातिर मैं ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ चाचा जी। अच्छा तो फिर आग लगा दो इन रंगीन बहारों को, सब कुछ जलाकर राख कर दो और इस चेक को फाड़कर फेंक दो। चेक? मगर मैंने इन लोगों को जबान दे दी है। इसके अलावा मेरे पास अभी तक 5-7 पिक्चर्स अधूरे पड़े हैं। सच है शोभा रानी जी, रुपए पैसों का रूप दुनिया के सारे रूप भुला देता है। महलों की छत पर खड़े होने वालों को झोंपड़े बहुत छोटे नजर आते हैं। सोने चांदी की झनकार माया और ममता की पुकार को भी दबा देती है। अरुणा, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी में चंद मसरतें ऐसी होती हैं जिन्हें रुपया कभी नहीं खरीद सकता। जरा ठंडे दिल से सोचो, तुम्हारा बच्चा नौकरों के हाथों पलने की बजाय अगर किसी अच्छे घराने में परवरिश पाए तो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए कितना अच्छा होगा। जिस दिन तू ये रंगीन जिंदगी छोड़कर पंडित जी की बेटी अरुणा बन जाएगी, उसी दिन नंदू की मां कहलाने का तुझे अधिकार मिल जाएगा और मैं तेरा लाल खुशी से तुझे वापस कर दूंगा। फिक्र मत कर बेटी। हाथ जोड़ो बेटा। शुभं करोति। शुभं करोति। कल्याणम। कल्याणम। आरोग्यम। आरोग्यम। धन संपदा। धन संपदा। मैं भूख लगी है। Me
मुझे भूख नहीं है। खाने की बात नहीं करता मेम साहब, दूसरा बात करता है। मुझे चार दिन की छुट्टी मांगता है मेम साहब। क्या काम है मेम साहब? जरा शर्म लगता है, हमारी जोड़ों को बच्चा हुआ है मेम साहब। जाओ काम करो, छुट्टी उठी कुछ नहीं मिलेगी। नहीं मेम साहब, हमको छुट्टी जरूर मांगता है। एक मरतबा कहा ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। मेम साहब, ये रही आपकी नौकरी, आप दूसरा बेड़ा देखिए। आप क्या जाने बच्चे का प्यार? भाई है? मेरा बच्चा आपके आश्रम में था। आपका बच्चा? शोभा रानी जी? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आता। आप बालकिशन जी को तो जानते होंगे। हाँ हाँ, वो नाटक वाले, क्यों नहीं। हाँ, वो ही लाए थे मेरा बच्चा। वो तो उनकी लड़की का बच्चा था, और वो बेचारी तो कब की मर चुकी। मर नहीं चुकी, मर मर कर जी रही है। गुरुजी, उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बनाया था। वो बच्चा मेरा है और मैं उसे लेने आई हूँ। कुछ गलतफहमी हुई आपको रानी साहब। वैसे अगर आपको कोई बच्चा ही चाहिए तो मेरे आश्रम से आप किसी भी बच्चे को ले जा सकती हैं और उसका भला कर सकती हैं। किसी पराये बच्चे को लेकर मैं क्या करूंगी? पराया? देखिए, बच्चों के लिए ऐसा ना कहिए। क्या आपने क्या पराये? ये सब ठीक है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बताइए अब वो कहाँ है। मैं आपके आश्रम को 50,000 रुपए दूंगी। माफ कीजिए रानी साहब, मैं रिश्वत ले लेकर यह आश्रम नहीं चला रहा। आप बालकिशन जी से इजाजत ले आइए, मैं उसी वक्त बच्चे का पता दे दूं। और देखिए, मेहरबानी करके रुपए की बात कभी जबान पर मत लाइए। आप एक माँ का दिल कैसे समझ सकते हैं? आपने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया होता तो आप जानते। मैंने पिछले 30 बरस में कम से कम 1,500 बच्चों को जन्म दिया होगा। 1,500 क्यों, ज्यादा ही होंगे। अपने आंगन में कितने फूल खिलते हैं इसका भी किसी ने हिसाब रखा है? आपको कैसे समझाऊं? कृपा करके मेरे साथ आप बालकृष्ण जी के घर चलिए, आपको यकीन आ जाएगा। चलेंगे आप? क्यों नहीं, खुशी से। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, आप कौन? मैंने नहीं पहचाना आपको। चाचा? किसका चाचा, कौन? आप क्या पूछ रही हैं? नहीं चाचा जी, ऐसा ना कहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप गुरुजी से कह दीजिए कि मैं ही उस बच्चे की माँ हूँ। उस बच्चे की माँ? मैं समझा नहीं। माफ कीजिए देवी जी, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था इनसे। ऐसे पत्थर दिल न बनिए चाचा जी। मगर देवी जी, आश्रम में जो बच्चा था वो मेरी बेटी का था, मेरी अरुणा का। और मेरी अरुणा अब इस दुनिया में नहीं। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, मैं ही हूँ आपकी अरुणा। देवी जी, हमारे यहाँ मामता बिका नहीं करती। लेकिन याद आया, मैंने शायद आपको कहीं देखा है। आप वो शोभा रानी तो नहीं? हाँ हाँ, शोभा रानी। भला
किस रियासत की? गुरुजी, ये उस रियासत की रानी है जहाँ मामता कौड़ियों के मोल बिकती है। चाचा! क्यों आए फिर आप? माफी। दिन में कितने नाटक खेलेंगे आप? ऐसे बेरहम क्यों हो गए चाचा जी? तेरे बच्चे के प्यार की खातिर तुझसे इतना बेरहम होना पड़ा है अरुणा? चाचा जी, कितने दिनों के बाद आपने मुझे प्यार से अरुणा कह के पुकारा। मैं अभी तक वही अरुणा हूँ चाचा जी। मैंने सावित्री का नाम लिया था, आप मुझसे नाराज हो गए थे। आइए मेरे साथ। यही है मेरे देवता के चरण, मैं इन पर हाथ रख के कहती हूँ, आज तक मैंने अपने पवित्र प्रेम को कलंक नहीं लगने दिया। दुनिया मुझे कुछ और समझती है, जी चाहता है कि एक बार अपने मुन्ने को जी भर के देख लूं और फिर ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दूं। डरो नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। ये नहीं है मेरा घर। ये देख कितना अच्छा घर है। तुम कौन हो? मुझे नहीं चाहिए ये घर। चल अंदर चल, दूध पिएगा ना, साथ में बिस्किट चॉकलेट भी दूंगी। और क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी माँ चाहिए। नंदू बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। मेम साहब, ब्रेकफास्ट तैयार है। ये देखा, तुम्हारा नाम तो मेम साहब है, तुम मेरी माँ नहीं? नहीं रे। मेम साहब, मुझे मेरी माँ ला दो ना। तेरी माँ और बाबा दोनों गाँव गए हैं, जब वो वहाँ से वापस आएंगे मैं तुझे ले जाऊंगी। हाँ, तो वो मुझे बोल कर क्यों नहीं गए? नहीं रे, तेरी माँ बहुत बुरी है। नहीं, तुम बुरी हो, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मुझे मेरे घर ले चलो ना। अच्छा, जब तेरी माँ गांव से आएगी मैं तुझे ले जाऊंगी। हाँ, सच? बिल्कुल सच। अच्छा चल, मैं तुझे नए खिलौने दिखाती हूँ। चल। नमस्ते। अरे वाह, ये लड़का किसका है? लड़का? हाँ, मेरे एक सहेली का है। जरा मिलना था आपसे। मुझे टाइम नहीं है। सिर्फ 5 मिनट मैडम। नहीं बोल दिया ना। नंदू, मुझे मेम साहब ना कहा कर बेटा। वाह, तुम्हारा तो नाम ही मेम साहब है। नहीं रे नहीं, मुझे माँ कह के पुकार। छी छी, माँ बोला ऐसी होती है? मेरी माँ कितनी अच्छी है। अच्छा अच्छा, अब तुझे दूध पीना है ना? मुझे तो पहले प्रार्थना करनी है। मेम साहब, तुम्हारे भगवान कहाँ है बताओ ना। भगवान? अच्छा अच्छा, चल दिखाती हूँ। ये देख, ये है मेरा भगवान। सच? चप्पल का भी भगवान होता है? हाँ बेटा। नहीं नहीं, सच्चा भगवान कहाँ है बताओ ना। सच्चा भगवान? हाँ हाँ, लाएंगे। हाँ, आज इसी भगवान को प्रणाम कर ले। भगवान, मेरी माँ जल्दी गांव से वापस ला। तुम बार बार क्यों रोती हो मेम साहब? मैं नहीं बेटा, दूध पियोगे ना, भूख लगी होगी, नाश्ता करोगे ना। हाँ चल। बेटा नंदू, जाओ हमसे बात मत करो। क्या बात है बेटा? फिर मेरी माँ को बुला लो ना गांव से। पर
मैंने कहा ना बेटा, अरे मैं ही तेरी माँ हूँ। झूठ, तुम झूठ बोलती हो। मुझे मेरी माँ ला दो ना, नहीं तो मैं भगवान से कहूंगा कि तुम्हें खूब सजा दे। भगवान तो मुझे पहले ही काफी सजा दे चुका है बेटा। अच्छा हुआ, मैं साहब मुझे पहले मेरी माँ से मिला दो। हाँ बेटा, मैं तुझे तेरी माँ से जरूर मिला दूंगी। मुझे सिर्फ एक बार माँ कह के पुकार। माँ नहीं, मेम साहब। नहीं रे नंदू। हाँ हाँ मेम साहब। नंदू। मेम साहब, 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 हो गया? हाँ, ना जाने वो कहाँ चला गया। वो अब तक मनोरमा बहन को ही अपनी माँ समझता रहा है। मैं खुद उसे वहाँ पहुँचाना चाहती थी, मगर वो कहीं चला गया। चाचा जी, तब तो वहीं गया होगा। चलो देखिए। मैंने सोच लिया, वो मुझे थोड़ा ही माँ कहने वाला था। मैं समझ चुकी थी, उस पर मेरा ही है। मैंने माँ के नाते से अपना फर्ज पूरा नहीं किया था। कितनी अभागन थी मैं। मैंने सोचा क्या फायदा है मेरे जीवन का। दुनिया में कितने ही अनाथ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें किसी का प्यार ही नहीं मिलता। क्यों ना मैं उन्हीं के रूप में अपने बच्चे को पाऊं, क्यों ना मैं उन्हीं की माँ बन जाऊं। हर बालक में छुपी हुई है सूरत तेरे लाल की। पहले बन तू यशोदा मैया, कमी नहीं गोपाल की, कमी नहीं गोपाल की। जन्म दिया जिस माने, उसने भी उपकार किया। उससे बड़ी माँ वो है जिसने माँ का प्यार दिया। जो कुछ भी मेरे पास था एक अनाथ आश्रम में लगाकर मैं बच्चों की सेवा करने लगी। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ठीक हो जाएगी ना, इनके बिना मैं उन बच्चों की सेवा कैसे कर सकूंगी। वही तो बच्चे हैं जिनकी सूरत में मैं अपने खोए हुए लाल की सूरत देखती हूँ। डॉक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आपके नासों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन कामयाब होगा। डॉक्टर साहब, सपने सजाने में बहुत देर लगती है, मगर उन्हें तोड़ने में सिर्फ एक पल। ऐसा ना कहिए, भगवान के लिए ऐसा ना कहिए। आपकी बातें मुझे पागल बना देंगी। तुमने भी तो यही सोचा होता, तुम्हारे जाने के बाद कोई और भी पागल हो सकता, किसी और की दुनिया भी लुट सकती। डॉक्टर साहब, आपने मुझे गलत समझा है। मैंने तो सिर्फ आपकी भलाई सोची, ताकि आपकी और आपकी माताजी की खुशियां बर्बाद ना हो जाए। मुझ जैसी गरीब और अनाथ लड़की आपके चरणों की धूल तो बन सकती है, मगर आपके माथे का तिलक नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, यही तो मैं जानना चाहता हूँ अनुराधा। वो कौन सी रुकावट,
कौन सी बंदिश है जो तुम्हें मुझे दूर ले गई है? बताओ अनुराधा। नहीं, ये मैं नहीं बता सकती। भगवान के लिए ये मुझसे ना पूछिए। मैं जरूर पूछूंगा, तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हें मेरी कसम अनुराधा, मैं तुम्हें मेरी कसम। बस इतनी सी बात, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनुराधा, भगवान के बनाए इंसान सब एक से होते हैं। मैं आज ही माजी से बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। डॉक्टर साहब। बेटी। जी माजी। डॉक्टर साहब से कुछ बात हुई तेरी? जी, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। 10 दिन के बाद पट्टी खुलेगी। तो माँ, तुमने क्या फैसला किया? तुम मेरे बेटे हो, इस घर की परंपरा को खूब समझते हो। जिस परंपरा का आधार न्याय पे ना हो, वो कैसी परंपरा है? तुम्हारे दिल को ठेस लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही थे, लेकिन बेटा, धर्म मौके के ऊपर है। मैंने अनुराधा को जो वचन दिया है, वो मेरा धर्म है। दिया हुआ वचन तोड़ दूं, मुझसे यह अन्याय नहीं होगा। इसमें अन्याय कैसा? धर्म एक सीमा है जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। अपनी अपनी किस्मत है। कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो कोई शूद्र के। ऊंच नीच तो भगवान की बनाई हुई है। फिर भी तुम जानते हो, मैंने हमेशा हरिजनों की सहायता की है। कोई भी अछूत हमारे घर से खाली हाथ नहीं गया। दान और दया भीख के टुकड़े हैं माँ, वो अधिकार और सम्मान की भूख को नहीं मिटा सकते। जो लोग समाज के पिछड़े हुए लोगों पर एहसान करते हैं, वो किसी पर उपकार नहीं करते, बल्कि अपने पापी मन की आवाज को दबाने के लिए, सदियों की अन्याय को भुलाने के लिए छोटी छोटी मेहरबानियां बांटते फिरते हैं। वो ये नहीं जानते कि पाप सिर्फ अन्याय का अंत करने से ही मिटेगा। जन्मगत को न तुम बदल सकते हो, न मैं नहीं मानता। कौन पवित्र कौन अपवित्र, ये कोई नहीं कह सकता। ऊंचे घर में पैदा होने वाला अगर धूल और मैल में फेंक दिया जाए तो वो नाली का कीड़ा बनकर रह जाता है। उसके सारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। दोष वातावरण का है, जन्म का नहीं। अगर जन्म और जात बदल सकते तो शास्त्रों में 4 वर्ण कायम क्यों किए जाते? जो आज दलित है, क्या हम हमेशा के लिए दलित रहेंगे? नहीं, ये हमारी खुदगर्जी है। हमारा स्वार्थ गिरेहुओं को उठने नहीं देता। आज अगर हमें एक नया समाज बनाना है तो ये ऊंच नीच और छूत अछूत की दीवारों को गिराना ही होगा, जो इंसान को इंसान से जुदा करती आई है। झूठी मोहब्बत में आकर तुम अपने कुल की मर्यादा का अपमान कर रहे हो, ये मेरे जीते जी नहीं होगा। माँ, जो आदर और प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, उसके लिए मैं अपने सुख का बलिदान तो दे सकता हूं, लेकिन असूलों का नहीं। नंदू। माँ, मैं जाता हूं। हे भगवान, अब तू ही इसे सन्मति दे। क्या बात है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, तुम्हारा डर सच निकला अनुराधा। माँ जी मेरी खुशियों के लिए सब कुछ कर सकती है, मगर अपने धर्म के झूठे बंधन। अनुराधा, देखो अनुराधा, हिम्मत नहीं हारा करते। मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये अंधेरे उजालों में नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। मैं अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। क्या हुआ बेटी, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? जिसका मुझे डर था वही हुआ। इनकी माता जी ने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? मेरी बच्ची, रो मत, दिल को संभालने की कोशिश कर। इस दुनिया का यही दस्तूर है। उसे माँ का प्यार दिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ईश्वर के लिए मेरा बच्चा दे दो, अब मुझसे और नहीं कहा जाता। नंदू को खूब पढ़ाना लिखाना,
इसे बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है। आप मनोरमा बहन, लेकिन आप यहाँ कैसे? तो क्या आप जानते हैं मेरी माता जी को? आपकी माता जी? अच्छी तरह जानती हूँ डॉक्टर साहब। ओ, तो अब आप अच्छी तरह देख सकती है ना? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत दूर तक देख सकती हूँ। लाओ तो अपने हाथ, जिन हाथों ने मुझे अपनी आंखों की रोशनी वापस दी है, जिन हाथों के बदल आज मैं उन्हें देख रही हूँ, जिनको देख सकने के आशा ही नहीं थी मुझे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर डिसोजा साहब का टेलीफोन। ओ, तुम फोन अटेंड करो, मैं भी आया। वो आप ही के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑपरेशन कामयाब हो गया, ये खुशखबरी मैं उन्हें सुना रहा हूँ। सब किस्मत के खेल है। जिसको देखने की लगन में रो रो कर आंखें खो बैठी थी, आज फिर उसी के हाथों से रोशनी मिलेगी, ये किसे मालूम था। याद है एक दिन मैं तुम्हारे पास ममता की झोली फैलाए अपने लाल की भीख मांगने आई थी, वही झोली आज फिर तुम्हारे सामने फैलाती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो बहन? नंदू आप ही का बेटा है, अपनी ममता की लालच में मैं कब तक आपसे आपका अधिकार छीन सकती हूँ? नहीं, तुम समझी नहीं मेरा मतलब। मैंने तो उसे तुमसे छीन कर भी खो दिया था। मेरी तो अब सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है, उसे ये कभी ना पता चले कि मैं अभागन उसकी माँ हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी उसे बता दूंगी कि आप ही उसकी असली माँ है। उसकी असली माँ, असली माँ तो सिर्फ तुम ही हो। एक ऐसी माँ जिसने उसे माँ का प्यार दिया है, उसकी देखभाल की, लिखाया पढ़ाया और उसे एक अच्छा काबिल आदमी बनाया। और मैंने उसे जन्म देने के सिवा किया ही क्या है? जो माँ बच्चे को जन्म देने के बाद अपना कर्तव्य ही पूरा न कर सके, उसे माँ कहलाने का क्या अधिकार? क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। इसी ममता की निराशा को मिटाने के लिए अनाथ बच्चों की एक ऐसी दुनिया बसा रखी है मैंने, जिसकी गोद में ही मुझे मेरी खोई हुई शांति मिलती है। अब नंदू से ज्यादा उन बच्चों को मेरी जरूरत है। आओ बेटा, जानते हो ये देवी जिनकी आंखों का ऑपरेशन तुमने किया है, इनकी आंखों की असली रोशनी तो तुम खुद हो माता जी। हाँ बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। मेरे पास तुम सिर्फ इनकी अमानत हो। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मैं ही वो नंदू हूं जिसकी खातिर आपने इतनी तकलीफें उठाई, इतनी कुर्बानियां दी? मां, मेरे बेटे, फिर एक बार मुझे माँ कहो बेटे, फिर एक बार मुझे माँ कहो। माँ, माँ, माँ बेटा, ये सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। इसी के इंतजार में सारा जीवन बीत गया मेरा। बहन, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुमने मुझे मेरे बिछड़े हुए लाल से मिला दिया। लेकिन मैंने अपनी झोली नंदू के लिए नहीं फैलाई थी, तुमसे सिर्फ उसकी खुशियों की भीख मांग रही। उसकी खुशियां? हाँ अनुराधा बेटी, पांव छुओ माता जी के। तुम तो मुझे मंदिर में मिले थे ना? यही वो अनुराधा है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। लेकिन वो तो मैं जानती हूँ बहन,
तुम क्या सोच रही हो? जात पात, ऊंच नीच, सब समाज के बनाए हुए बंधन है, लेकिन भगवान की नजर में सब एक है। सब उसी से प्रार्थना करते हैं और वो सभी की सुन लेता है। मैं छूत अछूत के बंधनों में पड़कर मानवता के पवित्र धर्म को भुला बैठी थी। मेरे बच्चों, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सुखी रखे। अपनी माँ के पैर छू बेटा। कीचड़ में हो या क्यारी में, फूल तो आखिर फूल है। किसी फूल को नीच समझना ये माली की भूल है। जन्म दिया जिस माँ ने, उसने भी उपकार किया। बड़ी माँ वो है जिसने माँ का प्यार दिया, जन्म दिया